इंदौर की क्राइम ब्रांच को लेकर एक तस्कर के पास से एक ऐसा दो मुहा सांप बरामद करने में सफलता मिली है जो 2 करोड़ रुपए का बताया जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस सांप का उपयोग जादू टोने और तंत्र मंत्र के लिए किया जाता है। क्राइम ब्रांच को यह खबर मिली थी कि सुखलिया में रहने वाला गौरव नाम का व्यक्ति सांपों की तस्करी करता है और उसके पास एक दो मुहा सांप है। यह जानकारी मिलने पर क्राइम ब्रांच की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से गौरव के पास एक ग्राहक भेजा और उसे फंसा लिया। इसके बाद जैसे ही उसने दो मुहा सांप बताया तो पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पता चला है कि दो मुहे सांप की बाजार में करोड़ों रुपए कीमत है और इसका उपयोग भी तंत्र मंत्र के लिए किया जाता है। पुलिस को इस बात का भी संदेह है कि राजेश परिहार नामक व्यापारी जो कि कर्जे में था उसके साथ भी तंत्र मंत्र की क्रिया की गई है और वह भी दो मुहे सांप की तलाश में था। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।